يا أرحم الراحمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جلوہ فروز ہے وہ جانے مسیحا دل میں. جلوہ فروز ہے وہ جانے مسیحا دل میں. درد دل کے لیے رکھتا ہوں مداوا دل میں. درد دل کے لیے رکھتا ہوں مداوا دل میں. آنے والے تجھے آنا ہے تو آجا دل میں. آنے والے تجھے آنا ہے تو آجا دل میں. دیکھ لے بحر خدا دل کا تڑپنا دل میں. دیکھ لے بحر خدا دل کا تڑپنا دل میں. الفت آل پیغمبر کا ہے جذبہ دل میں. الفت آل پیغمبر کا ہے جذبہ دل میں. حضرت نوح کا رکھتا ہوں سفینہ دل میں. حضرت نوح کا رکھتا ہوں سفینہ دل میں. لن ترانی کا گزر اس میری وادی میں نہیں. لن ترانی کا گزر اس میری وادی میں نہیں. آئیے آئیے اے حضرت موسیٰ دل میں. آئیے آئیے اے حضرت موسیٰ دل میں. عشق بازوں کی جبھی سائی کا یہ حصہ ہے. عشق بازوں کی جبھی سائی کا یہ حصہ ہے. ہر نمازی کا نہیں بشتہ مسلح دل میں. عشق بازوں کی جبھی سائی کا یہ حصہ ہے. ہر نمازی کا نہیں بشتہ مسلح دل میں. ان کے سودا کو نہ لگ جائے نظر اے سید. ان کے سودا کو نہ لگ جائے نظر اے سید. رہنے بھی دیجئے اے قبلہ و کعبہ دل میں. رہنے بھی دیجئے اے قبلہ و کعبہ دل میں. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پونے دو بج چکا ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ اس وقت میں میں نے کبھی خطاب کیا. ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو مگر مجھے یاد نہیں. بہرحال وقت اتنا نازک ہے کہ کسی تمہید میں جانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں وقت کی اجازت دیتا ہوں. عزیز القدر سید میران احمد فاطمی یہ تو اپنے داموں میں سب کچھ لیے بیٹھے ہیں. یہ ان کی خواہش تھی. اس کی تکمیل کے لیے میں حاضر ہوا اور
मेरा वक्त बदलता रहा, कभी 11 कभी 12 कभी 1 पौने 2 बज गया, लेकिन तकरीर करूंगा। शर्त यह है कि हमारे सामईन कुछ देर के लिए अपनी बेदारी का मुजाहरा करें। अल्लाह जमाने की कसम याद फरमा रहे हैं, इरशाद रब्बानी है, कसम है जमाने की, कसम है जमाने की, सारे इंसान घाटे में हैं, खालिक़े ज़माना ज़माने की कसम खा रहा है। खालिक़े ज़माना मखलूक, अब ज़माने की कसम जब खालिक याद कर रहा है तो इसका मतलब ये कि ज़माना कुछ है, ज़माने की कीमत है। हमको समझना है कि ये किस निस्बत से अल्लाह जमाने की कसम याद कर रहा है। बस दोस्तों, तफसीरें तो बहुत हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, बस मैं इशारा करूं, मेरे हबीब तुम इस जमाने में हो, जमाने की कसम मैं इसलिए खा रहा हूं कि इस जमाने को निस्बत मुस्तफा तुमसे है। सोचो, जमाने की निस्बत ए महबूब तुमसे है, इस जमाने में तुम हो और तुम हो, मगर जमाने पर तुम्हारा एहसान है, जमाने का तुम पर एहसान नहीं है। जमाने को भी जो मैंने वजूद बख्शा है वो तुम्हारे लिए, जमाना जो वजूद में आया चाहे जो जमाना हो, हर जमाने पर मुस्तफा तुम्हारा एहसान है ना। अब ये जमाना, अच्छा एक बात बताओ, ये जमाना जिस जमाने में हम और आप हैं, ये जमाना किसका है? ये भी हुजूर का जमाना, जो गुजर गया वो भी हुजूर का जमाना, अब हम लोगों के जाने के बाद जो आएगा वो भी हुजूर का जमाना है ना। तो जमाना बदला, बदलेगा। अब कुछ ना समझ, वो कहते हैं कि ये बिदात है, ये बिदात है, ये बिदात है, ये बिदात है, अब बिदात गुमराही है। मैंने कहा बिदात की परिभाषा क्या है? कहा जो रसूल के जमाने में ना हो बाद में हो। मैंने कहा चलो तय, अगर यही तारीख जमाने की है, हाय 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 हाय, जो रसूल के जमाने में ना हो बाद में हो वो बिदात, तो ये जमाना है किसका? अब जब मुस्तफा के बाद कोई दूसरा नबी नहीं, तो अब इस जमाने के बाद दूसरा जमाना भी नहीं। ये जमाना किसका? ये भी रसूल का। अब जो रसूल के जमाने में ना हो है ना, तो जो रसूल के जमाने में ना हो ना, तुम रसूल के जमाने में रह करके कहते हो कि रसूल के जमाने में ना हो। ये मेरे सरकार का जमाना, जो गुजर गया वो भी मुस्तफा का जमाना। महबूब,
इस जमाने को तुमसे निस्बत है, मैं कसम खाऊंगा। और यही नहीं, वो कुछ कोई भी हो, वो मोहतरम है अगर तुमसे निस्बत है। मैंने पूरी कायनात को जो सजाया है, बनाया है, पैदा किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए जमीन बनाई, तुम्हारे लिए जमान बनाया, तुम्हारे लिए आसमान बनाया, तुम्हारे लिए शमसो कमर पहलो पार खुशको तार शजरो हजार बल्कि हर हर तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ये चांद तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, जन्नत को मैंने बनाया तुम्हारे लिए, कौसर बनाया तुम्हारे लिए, मीजान बनाया तुम्हारे लिए, पुलसिरात बनाया तुम्हारे लिए, 18,000 आलम बनाया तुम्हारे लिए, है ना। अब जब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ये चल पड़ा तो अब ये रदीफ बन गई। जब ये रदीफ बनकर तैयार हुई तो इमाम अहमद रजा का कलम किरदास पर यूं चलने लगा, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनों चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे नारे भी हुजूर सैयद राशिद मक्की मियां साहब क़िबला को तीन हदीसें कुत्सी सुनते चलिए। अभी मैं भी उस ट्रैक पर आने वाला हूं जिस पर आप खूब नारे लगा रहे हैं। अभी तो मेरी खिताबत का आगाज है, सफर खिताबत का, है ना। डीजल इंजन जरा देर में गर्म होता बात समझ में आई ना। अब जो वक्त मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका, मुझे उसका कोई कम नहीं, कोई बात नहीं। मेरा काम तबलीग करना है, चाहे 11 बजे मिले माइक, चाहे 12 बजे मिले, चाहे 2 बजे मिले, चाहे 3 बजे मिले, चाहे सिर्फ दो आड़ी के लिए मिले, कोई बात नहीं। अब आप देखिए तीन हमी से पूछिए। पहली लौला का नमा खलकतु दुनिया, ए महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो दुनिया को ना पैदा करता। दूसरी हदीस से खुद सी लौला का नमा खलकतु लफना, मुस्तफा अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं आसमानों को ना पैदा करता। अब तीसरी हदीस से खुद सी सुनिए, ये जमीन और आसमान छोड़िए, लौला का लमा अजहर तो रुबूबियती, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो जमीनों जमा छोड़ो, मैं अपना रब होना जाहिर ना करता, मैंने अपनी रुबूबियत को जाहिर किया है महबूब तुम्हारे लिए। जब तुम्हारे लिए मुस्तफा मैंने अपना रब होना जाहिर किया तो अब मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे बंदे मुझे रब माने, रब जाने, अपने जरिए से नहीं, अपनी इल्म से नहीं, अपनी जुस्तजू से नहीं, अपनी तलाश से नहीं, मुस्तफा तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे रब माने, तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे रब माने। अब आप देखिए अल्लाह की पहचान किसने कराई, रसूल ने, जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा जो कोई आपको माल मसाला मिला वो कहां से, हुजूर से, अकीदा हुजूर से, इस्लाम हुजूर से, दीन हुजूर से, नेमतें हुजूर से, बरकतें हुजूर से, रिफतें हुजूर से, शौकतें हुजूर से, हुस्न व जमाल हुजूर से, जूद व नवाल जाह व जलाल हुजूर से, है ना। अकीदा हुजूर से, कुरान हुजूर से, रहमान की पहचान। अब देखिए पहचान पर एक नुक्ता अर्ज करता हूं, वो भी हदीस है। अब चौथी सुनिए, तुम तो कंजम मक्फिया,
अब इसका आरिफाना और सूफियाना तर्जुमा मैं करता हूँ कि हमारा ताल्लुक सिर्फ दरसगाह ही से नहीं है, खानकाह से भी है। दरसगाह हमें पढ़ाया जाता है, खानकाह हमें पिलाया जाता है। जो मैंने पढ़ा है वो भी लेकर बैठा हूँ, जो पिया है वो भी लेकर बैठा हूँ। तो आज मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि मखदूम अशरफ की बारगाह का वो जाम पिला कर जाऊंगा जिसे परसों तक तुम याद रखो। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि लोग मेरी मार्फत हासिल करें, मुझे पहचाने, तो मैंने एक बाखबर पैदा किया, एक खबर पैदा किया। उस खबर को पैदा करने के बाद उसे अपनी खबर दी। मैंने एक खबर पैदा किया और पैदा करने के बाद उस खबर को अपनी खबर दी, फिर उससे कहा अब तुम मेरे बेखबर बंदों को मेरी खबर दो। मैंने बाखबर पैदा किया, बाखबर को अपनी पहले खबर दी और फिर उससे कहा तुम मेरे बेखबर बंदों को मेरी खबर दो। वो खबर है क्या? वो खबर है क्या? वो खबर ये है अल्लाह सबर। वो खबर है क्या? वो अल्लाह अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब सूरह इखलास में कितनी खबर है? पांच। अल्लाह एक, अल्लाह बेनियाज दूसरी खबर, लम यलिद न उसने किसी को जना, वलम यूलद न जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ना उसका कोई शरीर, वो ना शरीर है ना। आप जरा देखिए पूरी सूरत में सिर्फ तौहीद का बयान है। तौहीद का अल्लाह एक है, तौहीद अल्लाह बेनियाद है, वो लम यलिद वो लम यूलद उसका कोई शरीक नहीं। खबर कितनी? पांच। खबर कितनी? पांच। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। पहली बार समाप्त फरमाए, ये सूरह इखलास शुरू कहां से है? वो अल्लाह अहद से, कि उससे पहले कुछ और भी है? अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद है, मगर उससे पहले क्या है? हुआ से पहले क्या? कुल नबी तुम कहो, नबी तुम कहो, और किसी के कहने की जरूरत नहीं है, तुम कहो। खुदा ने अपनी तौहीद का बयान बाद में किया और कुल कहकर अपने महबूब की रिसालत का उन्वान पहले कायम किया। कुल कहकर रसूल की रिसालत का उन्वान पहले कुरान कायम कर रहा है। ये पुल से जो पर्दा हटा तो जलवे मुस्तफा नजर आया। नबी तुम कहो, तुम कहो अल्लाह एक है, तुम कहो। एक तो ये है मुतरजमीन ने तर्जमा करने वालों ने कहा तुम कहो, कहे आप कह दीजिए, कह दो कहो, मगर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तर्जुमा किया? कहते रहो, कहते रहो, इसलिए कि अम्र के बहुत सारे माना, 15-16 माना, फुज़ूल हवाशी, शरह उसूल शासी, 14-15-16 माना, उसमें एक माना तमाम और इस्तेमरार। नबी तुम कहते रहो, जिस हालत में हो तुम कहते रहो, तुम कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, हिजरत से पहले कहते रहो,
गारे हिला में कहते रहो, गारे सौर में कहते रहो, जबले अबू कुबैस पर कहते रहो, मीना में कहते रहो, मुजदलफा में कहते रहो, अरफात में कहते रहो, मक्के की गलियों में कहते रहो, चश्मे जमजम पर पहुंचो कहते रहो, कहते रहो, सफा पर कहते रहो, कहते रहो, मरवा पर कहते रहो, हतीमे काबा में कहते रहो, कहते रहो, तवाफे काबा की हालत में तुम कहते रहो, कहते रहो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, हिजरत के बाद जब मदीने में आओ, कहते रहो, कहते रहो, अस्हाबे सुफा के चबूतरे पर कहते रहो, हुजरे आयशा में कहते रहो, हुजरे आयशा में कहते रहो, अपने अस्हाब के दरमियान कहते रहो, मिंबर पर कहते रहो, मस्जिद नबवी में कहते रहो, तबलीग करते वक्त कहते रहो, तुम कहते रहो मुस्तफा ला इलाहा इल्लल्लाह और मैं कहता रहूं मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे इसका और इन्हीं 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 दो को जमा किया, हमारा कलमा बन गया। क्या बात, कलमा बन गया, कलमा बन गया, वो भी गायते कुर्ब की बुनियाद पर, गायते कुर्ब कमाले कुर्ब की बुनियाद पर। अब इसे कलाम न कहना, ये कलमा है, इसे कलाम न कहना, ये कलमा है, गायते कुर्ब की बुनियाद पर, कमाले कुर्ब की बुनियाद पर। अब इस कलमे में ये ऐसा कलमा है कि इसमें हरफे वाव का भी दखल नहीं, हरफे वाव का भी दखल नहीं, खुदा को ये भी गवारा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या गायते कुर्ब है, फसल को भी गवारा नहीं, इतना हसीन वसल है कि फसल का भी दखल नहीं, ऐसा फसल है कि फसल की भी गुंजाइश नहीं। अब ये कलमा, अब ये बताइए, अब यहीं से शुरू होता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलाम, मुतकल्लिम अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कायल, कौल कौल कायल अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिक्र जाकिर अल्लाह। अब आइए, ला इलाहा इल्लल्लाह कौल कायल रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम मुतकल्लिम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र जाकिर रसूलुल्लाह, है ना। अब यहां इस कलमे में दो सुन्नतों को जमा किया गया, एक खुदा की सुन्नत, एक मुस्तफा की सुन्नत। मगर रब ने की मर्जी देखो मेरे बंदो, पहले मेरी सुन्नत अदा ना करना, महबूब की सुन्नत अदा करना। इसका मतलब यह है कि रब्बी यही चाहता है, मेरी सुन्नत अदा करने वालों, मेरी सुन्नत बाद में अदा करना, महबूब की सुन्नत पहले अदा करना। और एक बात अजीब है ना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले किसने कहा? अल्लाह ने। और ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले किसने कहा? हुजूर ने, है ना। तो सबसे पहले किसने कहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ने। और सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा? हुजूर ने, है ना। तो जो हुजूर ने कहा उस पर कोई मुनाकरा नहीं। अरे जाहिलो आंखें खोलो, जो मुस्तफा की सुन्नत है उस पर कोई मुनाजरा नहीं, और जो खुदा की सुन्नत है उस पर मुनाजरा कर रहे हो। जवाब
समझ में आई, तो हमें खुदा मिला है तो रसूल, नेमत मिली है तो रसूल से, सहाबा मिले तो रसूल से, अहले बैत मिले तो रसूल से, अली मिले तो रसूल से, फातिमा जहरा मिली तो रसूल से, हसन हुसैन मिले तो रसूल से, घर मिला तो रसूल से, दर मिला तो रसूल से, घर वाले मिले तो रसूल से, दर वाले मिले रसूल, और हम सबका बराबर एहतराम करते, अगर घर वाला है तो उससे भी प्यार करते हैं, दर वाला है तो उससे भी प्यार करते है ना। अब तकसीम की कैची मत चलाओ, अहले सुन्नत में बंटवारा हम न होने देंगे, अहले सुन्नत में बंटवारा मत करो, मशरबी तासुब की बुनियाद पर अहले सुन्नत को बांटने वाले दूर हो जाओ, ये कहना गलत है कि इधर मखदूम वाले हैं उधर अहमद रजा वाले हैं, ये कहना गलत है। अरे जो मखदूम वाले हैं वो अहमद रजा वाले हैं, और जो अहमद रजा वाले हैं वही मखदूम अशरफ है। अहले सुन्नत ये किसी की जागीर नहीं है, अहले सुन्नत पर अहले सुन्नत किसी की पपौती नहीं है। अरे ये वो जमात है ना जो अपने कदम से नहीं चलती है, मदीने वाले के कदम से चलती है। मेरे दोस्तों वो जमातें जो कदम से चलती है उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, मगर जो मुस्तफा के करम से जमात चलती है उनके कदम लड़खड़ाते नहीं, डगमगाते नहीं। मेरे दोस्तों इसलिए कि जो करम से चले तो चले और चलते रहे, वो सिर्फ चलते ही नहीं रहे चलाते भी रहे। सहाबा चले करम से, जब उन्होंने चलाना शुरू किया तो तबई आए, जब उन्होंने चलाना शुरू किया तो तबे ताबईन आए, जब उन्होंने चलाना शुरू किया तो हसन बसरी आए, जब उन्होंने चलाना शुरू किया तो इमाम आजम अबू हनीफा आए, अहमद बिन हम्बल आए, इमाम शाफई आए, इमाम मालिक आए, ये करम वाले आए। से आजम चले तो करम से, गरीब नवाज चले तो करम से, मखदूम अशरफ चले करम से, कितने अकाबिर उलमा मशायख हमारे हैं ये सब करम से चले, इसीलिए आज भी उनका नाम चल रहा। शायरी में हो, नज्म में हो या नस्म में हो, नाम चल रहा करम से चले, तो कैची मत चला, बंटवारों मत। बोले ये चिश्ती हैं, ये कादरी है, ये वारसी है, ये निजामी है, ये फरीदी है, ये नक्शबंदी है, ये सुहरावर्दी है, ये रिजवी है, ये नूरी है, ये बरकाती। अरे बाबा ठीक है लेकिन सुन्नी तो है। सुन्नी तो है, जब सुन्नी है तो अपने है। अब इतने सर किरे हो गए हो, मशरबी तासुब ने हमारी जमात को जो झटका इससे पहुंचा है, अब उसको सुधारने की जरूरत है। तुम कहीं से भी मुरीद हो ठीक है, कहीं से मुरीद हो ठीक है। लोग कहते हैं हम यहां से हैं, हम वहां से हैं, हम यहां से हैं, ठीक है भाई। कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मतलब मैंने पूछ लिया, सुनते सुनते कान पक गया, मैंने कहा मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, अच्छा ऐसा है तुम यहाँ से हो तुम वहाँ से हो, चलो अब यहाँ वहाँ से जो लोग हैं चलो यहाँ वहाँ वालों से पूछे तुम कहाँ से हो। हाय
अहले सुन्नत को इतना महदूद कर रहे, हम यहाँ से हैं बस पकड़ के बैठ गए, आगे जाने की ख्वाहिश नहीं है, आगे जाने की ख्वाहिश नहीं है। अरे दोस्तों बंद करो, अभी सवेरा है। और एक बात बताऊं, जब जलसा करो, कॉन्फ्रेंस करो और उलमा को दावत दो तो फिर तकरीरें करो, या जलसा कराओ या मुशायरा कराओ। ये मैं आपको दावत फिक्र देकर जाना चाहता हूं, या मुशायरा या जलसा। अब चुन लो या आपकी सामईन की खुराक क्या है, वो क्या सुनना चाहते हैं, मुशायरा सुनना चाहते हैं तो रात भर मुशायरा है ना, और अगर फिफ्टी फिफ्टी है तो फिर टाइम है, फिक्स होना चाहिए कि इतने बजे तक मुशायरा। और मैं तो ये समझता हूँ कि पहले उलमाए किराम की तकरीर करा दी, ये रात भर मुशायरा, अब जिसको रहना है सुनना है रहेगा सुनेगा, बात समझ में आई। एक बात बताए, एक बड़ा बहुत बड़ा महल है, जाना है उसके अंदर। अब उस महल में जाने के लिए हर तरफ से दरवाजे हैं, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, दरवाजे है ना। अब आपको अंदर एंट्री लेना है तो चाहे आगे से आओ, चाहे पीछे से आओ, चाहे दाएं से आओ, चाहे बाएं से आओ, दरवाजा है क्या, तो पीर का काम क्या है, वो दरवाजा है मंदिर तक पहुंचाना। गलती ये है कि तुम पीर को मंजिल समझते हो, पीर मंजिल नहीं है, वसीला है। पीर मंजिल नहीं है, वसीला है। तो दरवाजे बहुत है, ये सहरवर्दी दरवाजा है, ये नक्शबंदी दरवाजा है, ये कादरी दरवाजा है, ये चिश्ती दरवाजा है, ये वारसी दरवाजा है, ये निजामी दरवाजा है, ये अशरफी दरवाजा है, ये रजवी दरवाजा है, ये बरकाती दरवाजा है, और बहुत सारे सिलसिले हैं, है ना। अब तो नए नए आ गए हैं, मैं पुराने पुराने की बात कर रहा हूं, ये सब दरवाजे हैं। इन दरवाजों का काम क्या है, इन दरवाजों का नजब तक पहुंचाओ, नजब तक पहुंचाओ। और जब अली मुर्तजा ने देखा कि सब मेरे पास आएगा, ठहरो, अब जब तुम नजब में आ ही गए हो तो अब अली तुम्हें यहाँ छोड़ेगा नहीं, अब मैं नबी तक पहुंचाऊंगा, अब मैं नबी तक पहुंचाऊंगा। और जब मेरे नबी ने ये देखा कि सारी कौम उम्मत अली के वसीले से मेरे पास आई है, तो सरकार ने करम फरमाया कि जब अली वसीला है तो मैं भी तुम्हें अब यहाँ नहीं अकेला रखूंगा, अब मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचाऊंगा, अब मैं तुम्हें खुदा के करीब करूंगा। मालूम हुआ दरवाजे का काम नजफ तक पहुंचाना, नजफ का काम मदीने तक पहुंचाना, और मदीने वाले का काम रब तक पहुंचाना। नारे भी एक बात बताएं, अली की बात आ गई, अब मैं क्या बताऊं, सीना चौड़ा हो जाता, सीना चौड़ा हो जाता। अब एक हदीसे पाक कंजुल उम्माल की आप समाप्त कर लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु मदरिल हक्का हिस्सो दारा अली, ए अल्लाह हक को उधर घुमा दे जिधर अली है, हक को उधर घुमा दे जिधर अली है। ये नहीं कि अली को उधर घुमा दे जिधर हक को, ना, हक को उधर घुमा दे, फेर दे जिधर अली, जिधर अली। तो इसका मतलब यह है कि अब रसूल की इस हदीस के बाद क्लियर बात हो गई कि जिधर अली उधर हा, जहां अली वहां हा, जहां अली वहां हा। अब हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर कौन सोया है, अब ये ना कहना कि कोई इंसान लेटा है, नहीं हक लेटा, हाय दर, 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 हाय दर,
कहीं से ठहर करके अली मक्के में है तो हक मक्के में है, अली तवाफे काबा में है तो हक तवाफे काबा में है, अली हदीमे काबा में है तो हक हदीमे काबा में है, अली मकाम इब्राहिम पर तो हक मकाम इब्राहिम पर, अली चल रहे हैं हक चल रहा है, अली घूम रहे हैं हक घूम रहा है, अली बोल रहे हैं हक बोल रहा है, अली मिंबर पर है हक मिंबर पर है, अली हुजरे में है हक हुजरे में है, अली हालत कलाम में है हक हालत कलाम में है, अली चुप है हक चुप है, अली खिताब कर रहे हैं हक खिताब कर रहा है, अली मुस्कुराते हैं तो हक मुस्कुराता है, अली मैदान में है तो हक मैदान में है, अली 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 पहाड़ पर है तो हक पहाड़ पर है, हिजरत से पहले अली है तो हक हिजरत से पहले है, हिजरत के बाद हक अली है तो हक अली के साथ जहां जहां अली। अब देखो दोस्तों सारी कायनात को हक की तलाश है ना, सारी कायनात को हक की तलाश है, हम भी हक को ढूंढ रहे हैं, हक कहां मिलेगा ये भी हक ढूंढ रहे हैं, हक कहां मिलेगा, इसीलिए रसूल ने रास्ता साफ कर दिया, हक को ढूंढने वालों कहां मारे मारे फिरोगे, अली को ढूंढो, अली को तलाश करो, हक तलाश करते रहोगे अली को ढूंढो, अली जहां मिलेंगे वहां हक मिलेगा। बात है, अब एक बात बताऊं, अब दूसरी एक और हदीस पाक सुन लीजिए, कंजुल माल की सरकार फरमाते हैं या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, आय अली तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन, तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन, यानी मोमिन ही तुमसे मोहब्बत करेगा। अब जिसके दिल में अदावत है कजी है घोट है तो समझ लो वो मोमिन नहीं है। वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, और बग़्ज़ दिल में वही रखेगा जो मुनाफिक है। अब सुन्नियो बताओ, पैगंबर ने रास्ता साफ कर दिया हमारे आपके लिए कि नहीं? अब मोमिन और मुनाफिक ईमान निफाक अब पहचान पहचान में दोनों आ गए कि नहीं? मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है पहचान में आ गए कि नहीं? अरे अब नहीं पहचानोगे तो कब पहचानोगे? वो कैसे, अली का जिक्र हो चेहरा खिल जाए तो समझो मोमिन है, अली का जिक्र चले वो चेहरा मुरझा जाए समझ लो मुनाफिक। अली के नूरे नजर का नाम हसन मुश्तबा, हुसैन शहीद करबला, हमारी रहबरी के लिए हमारी हिदायत के लिए, मेरे दोस्तों इनसे प्यार कर है ना। अगर तुम घाटे से निकलकर खसारे से निकलकर फायदे में आना चाहते हो है ना, तो उसका नुस्खा मैं बता रहा हूं, सारे इंसान घाटे में है, फायदे में कौन है, फायदे में कौन है, इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, सारे इंसान घाटे में है, यानी जो फजाओं में तैर रहा है वो भी घाटे में, जो महलों में है वो भी घाटे में, जो तख्तो ताज पर है वो भी घाटे में, जो पीएम है वो भी घाटे में, जो चाय वाला है वो भी घाटे में, ये चाय वाला वो भी घाटे है ना, जो बड़े बड़े ओहदों पर आए घाटे में, मैं कहता हूं आप भी यही बोलो, बड़ी कुर्सी पर बैठे विराजमान है घाटे में, ये विधायक है ये एमएलए है, एमएलए एमएलए क्या एमएलए, इतने जेब है किस में ले, सब घाटे में, ये सब घाटे में, जो दरिया के कलेजे को चीर रहा है वो घाटे में,
जो समंदर की तुगयानी में है वो घाटे में, जो पहाड़ की बुलंदियों पर है वो घाटे में, जो साहिब इख्तदार है वो घाटे में, जो मौल दौलत सरबत वाला है वो घाटे में, वो घाटे में। हाय हाय, तख्त पर बैठने वाला यजीद घाटे में, और करबला में खंजर के नीचे रहने वाला हुसैन फायदे में। कामयाबी का दारो मदार अगर खुसरान से निकल कर तुम फायदे में आना चाहते हो, फायदे की दुनिया में कुरान में चार बातें बयान है ना, सब घाटे में है, चाहे जिसका नाम हो सब घाटे में। कामयाब कौन है, कौन कामयाब है? ईमान वाला, अमल वाला, हक और सब्र वाला, ये चार है ना? जी चार। अब आओ बोलो, बोलो। ये जमीन कितनी बड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। इस बहुत बड़ी दुनिया में कोई जगह ऐसी है कि सूरह अल असर की तिलावत करने के बाद ये जो चार सिफात बयान हुई खूबियां से किसी एक जगह जमा हो, जहां आमनु भी हो, आमिलु सालेहात भी हो, वतवा सौबिल हक भी हो, वतवा सौबिल सब, जहां ईमान भी हो, अच्छे अमल भी हो, हक भी हो, सब्र हो, इकट्ठा अलग अलग नहीं, इकट्ठा है चारों सिफात हो। अरे वहां वो जगह है इसी आसमान के नीचे, उसी जगह का नाम करबला, उसी जगह का नाम करबला है, जहां आमनु भी आए, आमिलु सालेहात भी आए, वतवा सौबिल हक भी आए, वतवा सौबिल सब। अगर हक देखना है तो करबला चलो, सब्र देखना है तो करबला चलो, ईमान को जिंदगी कैसे मिलती है देखना है तो करबला चलो, आमाने सालेहा का रंग देखना है तो करबला चलो। मेरे दोस्तों, या मेरे दोस्तों, हुसैन सिर्फ किसी नवासे का नाम नहीं है, हुसैन हुसैन सिर्फ किसी बाप के बेटे का नाम नहीं है, हुसैन इन चारों सिफात के जामे का नाम है। राते गिरामी आप अंदाजा लगाओ, मेरा ईमान क्या बात है, वो हुसैन भी है ना, सिर्फ चेहरा बदलते रहो, ऊपर की हरकत, सिर्फ हरकत थोड़ा तब्दील करो, देखो कैसी कैसी बरकत। अरे पेश को हटा करके अगर जबर लगा दो तो है ना, तो वो हसीन हुसैन, और इसमें जो मादा है वो हुस्न है ना, मादा जो है वो हुस्न, और वो हुस्न ऐसा नहीं है कि अब तक अभी नहीं है, है ना। अरे जहां हुसैन का खून होगा वहां हुस्न हुसैन, उसने हुसैन भी होगा, मखदूम अशरफ औलादे हुसैन है। अगर हुस्नो जमाल इमाम हुसैन को देखना है तो मखदूम अशरफ की बारगाह में चलो। मेरे दोस्तों, अशरफियो या इरादतमंदो सुन्नियो, मैं तो सिर्फ सुन्नियों की बात करता हूं, सुन्नियो अगर तुम कछौछा शरीफ जाओ या देवा शरीफ जाओ और आलम पना सरकार बारिश पाक की कब्र पर पहुंचो, है ना, वो भी हुसैनी है, अगर उनकी कब्र को चूमो तो ये दिल में रखना कि हम कब्र नहीं चूम रहे हैं बल्कि हुस्ने हुसैन को चूम रहे हैं, जमाले हुसैन को चूम रहे हैं, जलवाए हुसैन। अरे इंसान घाटे में आए, वो भी घाटे में है,
जो आया काम किया चला गया। जो आया काम किया चला गया, घाटे में आया। अरे बाबा, जिक्रे नबी और आले नबी सुनने की तुम्हें कब तौफीक होगी, है ना? यानी जिक्र करने का शौक है, सुनने का शौक नहीं। तो सुन्नियों को माहौल बनाओ, अपने अंदर वो बेदारी करो कि नात खानों को भी मजबूर कर दो कि सिर्फ तुम्हें सुनाना ही नहीं है, उलमा की जबानी सुनना भी है। दोस्तों, आज की ये रात बरकत वाली रात है, और मैं तो ये कहूंगा उनसे मजीद मिल्लत में आने वाले तुम बड़े खुश नसीब हो, है ना, है ना? कि आज जमीन के अंदर से भी फैज मिल रहा है और जमीन के ऊपर से भी फैज मिल रहा है, अंदर से भी फैज मिल रहा है और बाहर से भी फैज मिल रहा है। आप कितने खुश नसीब हैं। औला करीम आपको शादो आबाद रखे, है ना? और मुझे, मैं तो अपने नौजवानों से ये कहना चाहूंगा, मेरे बच्चों तुम खुद जी लगा के सुनो, जी लगा के आओ, जलसे करो, कॉन्फ्रेंस करो, मगर मेरी एक ख्वाहिश है, आपसे अपील है कि नमाजी बन जाओ। नमाजी रमजान आ रहा मेरे बच्चों, पाबंदी से रोजा रखो, है ना? नमाजी बन जाओ, मेरी बात मानो। ये मेरी बात नहीं है, ये तो अल्लाह की बात है, ये मेरी बात नहीं है, तो रसूलुल्लाह की बात है ना? तुम कहीं बिजनेस करते हो या कहीं किसी ऑफिस में जाते हो तो ये 10 बजे, अरे भाई 9:30 बज गया, मुझे 10 बजे पहुंचना है, ऑफिस में पहुंचना है, नहीं पहुंचेंगे लेट हो जाएंगे तो फिर तनख्वाह कटेगी। बताओ, ये दुनियावी ड्यूटी अंजाम देने के लिए आप इतना तैयार कि ठीक 10 बजे, 10 बजे क्या, बल्कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी है आप पहुंच जाते हैं। तो जो बंदे की दी हुई ड्यूटी है उसको अदा करने में आप कोताही नहीं करते, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से ड्यूटी आपको दी गई है उसमें कोताही कैसे करते हैं? मेरे दोस्तों, एक बात बताऊं कि तुम ये तय कर लो कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हुसैन इब्ने अली का वास्ता, मौला अली का वास्ता, अली जैसा नमाजी कहां मिलेगा? उनके तलवे में चुभे हुए तीर को कैसे निकाला गया सारी दुनिया जानती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अली सजदे में जाए तो तीर खींच लिया, मौला अली सजदे में है, चुभा हुआ तीर घसीट लिया गया, अली को एहसास तक नहीं हुआ। नमाज तो है, नमाजी कहां अली जैसा, अजा है अभी मगर जज्बा बिलाल। तुम नमाजी बन जाओ, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। सोचो, वो मुमताज जिसके पास हसन हुसैन हो, वो मुमताज, वो जरूरतमंद जिसके सीने में अली हो, जिसके दिल में फातिमतु ज़हरा हो, जिसमें जिसके दिल में पंजतने पाक हो। मैं तो कहता हूं कि जिसके दिल में पंजतने पाक का नाम नक्श है उसको किसी तावीज की जरूरत नहीं। बाबा, वो बाबा झारखंड में इतने बाबा है, बाबाओं का सैलाब है, तूफान है। नमाज पढ़ी कहा? नहीं। खाना खाया कहा? हाँ, खाना तो यहाँ खाते हैं, नमाज मक्के में पढ़ते हैं। ऐसों से होशियार रहने की जरूरत है ना? मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मुझे याद आ गया, है ना? मैं पंजतने पाक नक्श दिल मेरा, है ना? मैं पंजतने पाक नक्श दिल मेरा, मिला है मुझको ये परवरदिगार का काम। हजरात, ये भी एक लाख है मेरे दोस्तों। अभी कहीं से पर्ची आ गई, हालांकि ये भी पहला इत्तेफाक है मगर ये भी जरूरी है, है ना? तामुरुन बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। अगर अली वाले हो, हसन हुसैन वाले हो,
पंजतनी हो तो आज से ये तय कर लो कि हम न जहेज लेंगे न जहेज देंगे। हम इस बला को न मुंह लगाएंगे न लगने देंगे। तुम कहते हो मैं अहले बैत का गुलाम हूँ और अहले बैत के गुलाम हो, हाथ फैलाते हो, भीख मांगते हो। हेलो, अली का गुलाम किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता है। जो अली का गुलाम होता है, अहले बैत का खादिम होता है, वो भीख देता है, भीख लेता नहीं है। वो भीख देता है जो अली वाले हैं, हसन हुसैन वाले हैं, अहले बैत वाले हैं, वो भीख देते हैं, भीख लेते नहीं है। तो आज इस रस्म को, इस रवाज को, इस प्रथा को खत्म करो। न जहेज लेना है, न जहेज देना है, और उसी तरह शादी करना है जैसी शादी मेरे आका ने अपनी बेटी की थी। इसी तरह हमें भी करना है। अगर आज का मुसलमान ये तय कर ले तो हमारा समाज अच्छा समाज का हो जाएगा, हमारा मुआशरा अच्छा मुआशरा हो जाएगा। ये भी घाटा है। ऐसा इंसान जो जहेज लेता है देता है वो भी घाटे में है। अब अगर कामयाब है तो वही कामयाब है, न जो ले न दे। इल्ला लजीना आमनु वामिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक वतवासौ बिसब्र वआखिरु दावाना।